हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.2 अप टू 5th, 6th सम वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ आई थिंक 5th तक हमने कर लिए थे, 6th सम अब हम स्टार्ट करेंगे। 6th सम का क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब पीएम आप पढ़ना शुरू करती हो तो आप साथ में बुक जरूर लेके बैठा करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखता यहाँ पे, है ना। तो आप बुक साथ में रखा करो। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको बुक में से साथ में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स रेज पावर एन, 6th क्वेश्चन है जी। एक्स रेज पावर एन प्लस ए एक्स रेज पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वेयर एक्स रेज पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए रेज पावर एन माइनस वन एक्स प्लस ए रेज पावर एन, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है हमें ना। तो हाउ यू विल फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, तो बिल्कुल सिंपल। देखो अलग अलग हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। ये एफ एक्स फंक्शन है, ये जी एक्स है, जी एच एक्स है, मान लो अलग अलग है, तो अलग अलग इसका डेरिवेटिव करके हम लिखते रहेंगे। सिंपल सी बात, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू वाई, ये सारा किसके इक्वल है, वाई के। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन आगे आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस। अब ये आगे कॉन्स्टेंट तो रहेगी रहेगा इसमें, तो ये क्या रहेगा, एन माइनस वन आगे आ गया, एन माइनस वन इन टू ए, आप ए आगे भी लिख सकते हो। अब एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, एक कम होगी। नाउ देन व्हाट विल बी देयर, प्लस एन माइनस टू ए स्क्वेयर, एन माइनस वन ए स्क्वेयर साथ में रहेगी, तो एक्स की पावर क्या होगी, एन माइनस टू माइनस वन, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर, ये ध्यान से देखो इधर, ए रेज पावर एन माइनस वन है, ये कांस्टेंट है, ए भी उन्होंने लिखा था कि ये यार कांस्टेंट फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर्स ए, एक रियल नंबर है कोई भी, और रियल नंबर का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव, रियल क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये तो क्या हो गया, ये देखो इधर, ये यहाँ पे इसके साथ क्या था, एक्स, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव मत कर देना आगे, एन माइनस वन इसका डेरिवेटिव आगे नहीं होगा, ये क्या होगा, सिर्फ जस्ट ये एक्स है ना, ये एक्स का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, प्लस ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस ये ए रेज पावर एन, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा इसका ना। इसको और हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, आप देख लो इसका आंसर, तो चेक कर लेना आप इसका आंसर। आगे आ जी 7th सम, 7th में क्या है, फॉर द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस। 7th का फर्स्ट पार्ट है जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, इसका क्या निकालो जी, डेरिवेटिव निकालो आप। लेट अस सपोज दिस इज वाई इज इक्वल टू जे, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। दो तरीके हैं, चाहे तो आप यहाँ पे यू इन टू वी वाला प्रोडक्ट रूल लगा लो, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस, आपकी इच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे ख्याल से बच्चे मोस्टली ये पसंद करते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करके ही कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस बी माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, यही रह जाएगा ना, कोई प्लस तो होना नहीं है। अब इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। नाउ वी विल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली माइनस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस ए, और इसका ए बी क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया जी, जीरो हो गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, टू एक्स माइनस बी माइनस ए, दिस इज इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो नाउ नोट इट डाउन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो आप इसको क्या लिख लो, डेरिवेटिव था ना सेम, तो नाउ व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, लेट अस सपोज इसको मान लो लेट y इज इक्वल टू दिस, है ना, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा, सपोज दिस इज इक्वल टू y, टू आगे आ गया, टू ये पावर आगे आएगी ना, तो ये क्या रहेगा, a एक्स स्क्वेयर प्लस बी की पावर कितनी होगी, वन। अब मैंने आपको बताई थी वो थ्योरम, है ना,
अब जो यहाँ पे है ना सारा, इसका भी डेरिवेटिव इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्या, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। जब हम प्लस टू में किया करेंगे तो ये डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, कैसे सुनो इस स्टेप के बाद वाली बात। टू यहाँ पे ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, टू ए तो साथ देखो ना, ए एक्स स्क्वायर है, ए कॉन्स्टेंट तो साथ में रहेगी रहेगा जो आगे है, तो टू आगे आ जाएगी, टू एक्स, एक्स की पावर क्या होगी, वन कम होगी, तो वो हम लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया, टू ए एक्स, टू ए एक्स, तो ये क्या हो गया, टू ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर ये क्या है, जीरो, कॉन्स्टेंट क्या है, जीरो, तो ये आ जाएगा है ना। तो अब ये क्या हो गया देखो, टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू टू ए एक्स, ठीक है। तो अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू टू जार फोर ए एक्स, मैंने आगे लिख दिया, ये क्या आ गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ऐसे ही आंसर लिखा रहे हम लोग। बाकी अगर पीछे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे मतलब ब्रैकेट को खोल के भी लिख सकते हो, फोर ए स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस फोर ए बी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको आंसर को। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम डिवाइड तो करेंगे नहीं है ना, और डिवाइड करोगे भी फिर भी ऐसे ही कुछ रहेगा, तो इसका मतलब हम क्या लगा दें यहाँ पे, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी वाला आपको पता है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू वाई, तो हमने क्या किया था, यू अपॉन वी वाले का क्वेश्चन रूल, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वेयर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव मैं सीधा कर रहा हूं, देखो लिख नहीं रहा हूं अब यहां पे, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव डी वाई, पहले तो वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और ए का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, तो ये क्या आएगा, वन माइनस जीरो वन ही रह जाएगा, तो व्हाट विल बी देयर, वन है ना। मैं देखो आप पूरा लिख सकते हो एक्स माइनस, मैंने यहां पर सीधा इसका डेरिवेटिव कर दिया यार, इन टू एक्स माइनस बी, नीचे वाला ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई इन टू बी, फिर माइनस, फिर एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एक्स का डेरिवेटिव वन, बी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये क्या हो गया वन, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया जी वन। अब किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया इन टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो इधर नाउ व्हाट विल बी देयर, अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। बस इसको ऐसे ही लिखे रहना, तो उसके इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते है ना, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ना। नोट इट डाउन नाउ दिस क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू वाई, वाई हम वैसे रख लेते हैं ना, आप कुछ भी रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी क्या लगेगा, फिर यू पॉन वी, यू पॉन वी का मतलब यू डैश इसका डेरिवेटिव इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या लिखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखो। नाउ इसका डेरिवेटिव करना है ना, देखो एक्स रेज पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन माइनस ए रेज पावर एन, ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दिस माइनस जीरो तो कोई मतलब नहीं बनेगा, यही रहेगा ना। अब देखो यार सेवन माइनस जीरो तो क्या बनेगा, सेवन ही तो बनेगा। अब इसको मैं जीरो को लिखूंगा नहीं यहाँ पे है ना, क्योंकि ये मैंने इसमें से माइनस कर दी मान लो, तो यही रह गया ये, ठीक है ये रह गया। अब दिस विल बी देयर इन टू वी, वी कितना था एक्स माइनस ए, ठीक है। वो आपको कंफ्यूजन देता है इसलिए मैंने वो कम कर दिया, वहां से जीरो वाला कंसेप्ट हटा दिया। अब माइनस
v डैश, v मतलब इसका डैश, x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा यार, x माइनस a, x का डेरिवेटिव 1, इसका a का 0, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, तो यहां पे क्या आ गया जी 1 इनटू v डैश इनटू u, u क्या था ये x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, इसको लिख दो। अब जितना आप सॉल्व कर सकते हो इसको सॉल्व करो, यू मस्ट सॉल्व इट, है ना, हाउ मच यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो कितना सॉल्व कर सकते हो आप देखो, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जब x की पावर यहाँ पे 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n तो ऐसे ही रहेगा, x रेज पावर ये 1 प्लस होगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी n, देखो n माइनस 1 प्लस 1, 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या रहेगी जी n, नाउ माइनस इसको इसके साथ करोगे a n x की पावर n माइनस 1, फिर इसको इसके साथ करो तो ये क्या आ गया माइनस एक्स रेज पावर एन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए रेज पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए रेज पावर टू, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको देखो सॉल्व करना है आपने, आंसर मैच करना है, तो आप पहले नाउ नाइन सम हेयर ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, वही या प्रोडक्ट रूल लगेगा या क्वेश्चन रूल लगेगा या सिंपल होगा, है ना। तो नाउ लेट अस सपोज दिस इज वाई इज इक्वल टू दिस, है ना, तो नाउ व्हाट इज देयर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू, और माइनस थ्री बाई फोर का कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया जी हमारे पास टू, ठीक है। अब फिर आ गया ये इसका सेकेंड पार्ट, वाई इज इक्वल टू दिस, अब क्या करोगे, चाहे तो आप इसको पहले ब्रैकेट को खोल दो, आपकी इच्छा है, चाहे आप पहले इसमें u इंटू v लगा दो, चाहे तो देखो प्रोडक्ट रूल लगा दो पहले, चाहे आप पहले इसको खोल दो, वो आपकी इच्छा है ना, आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो कर दो। मैं कर रहा हूँ जी, मान लो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट रूल मतलब आप पहले इसका क्या कर दो डेरिवेटिव, ये यू है वो वी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, थ्री फाइव सा फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा थ्री, ये इसका डेरिवेटिव हो गया इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस, फिर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा वन आएगा, और ये एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव एक्स की पावर क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, तो ये क्या होगा 15x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। अब 15x क्यूब प्लस 5x क्यूब ये कितना हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये आंसर आ गया बस इसका, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं सीधा पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो, एक ही बात है, ठीक है। सो नोटेड डाउन, मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर दिए, आप खुद करोगे, है ना, खुद भी ट्राई करना चाहिए कुछ, मैं फिफ्थ सम करवा रहा हूँ। अब देखो ये क्या है वाई इज इक्वल टू, फिर वही बात है, आप चाहे इसमें क्या लगा दो क्वेश्चन रूल चाहे सॉरी प्रोडक्ट रूल, चाहे आप इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको पहले, तो ये थ्री एक्स रेज पावर क्या हो जाएगा माइनस फोर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस फोर, एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आगे आ गया माइनस फोर थ्री सा ट्वेल्व एक्स रेज पावर माइनस फाइव होगा, याद रखना माइनस फोर माइनस वन, ठीक है। अब ये माइनस नाइन आगे आएगा तो माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स एक्स की पावर माइनस टेन, अब इसको आप क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ये लिख दो यार माइनस ट्वेल्व एक्स रेज पावर फाइव यहाँ पे प्लस थर्टी सिक्स अपॉन एक्स रेज पावर टेन, और ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दो कॉमन निकाल दो ट्वेल्व अपॉन एक्स रेज पावर फाइव, ठीक है, ये कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन, बस माइनस वन ही रहेगा, ये तो माइनस वन है ना, प्लस थ्री अपॉन एक्स रेज पावर फाइव, इसको ऐसे लिख सकते हो आप आंसर को, और बस यही रहेगा, और क्या रहेगा इसका आंसर, यही होगा बस,
और क्या कर सकते हो आप, बाकी आंसर में कुछ भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 अपॉन एक्स की पावर 5, और अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। इसको बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बिल्कुल मतलब कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, है ना। तो आप ये लिख दो, मेरे ख्याल से ये सही आंसर है, नो प्रॉब्लम, चेक कर लेना एक बार। सो नोट इट डाउन। आओ सिक्स्थ पार्ट वी विल डू। सिक्स्थ पार्ट में देखो ये क्या है, एक एफ एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, हम इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे। जैसे मान लो पहले मैंने इसका निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, 2 अपॉन x + 1 है ना, 2 अपॉन x + 1। आप इसका कैसे भी यू अपॉन वी करके भी लगा सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो टू चलो यू अपॉन वी करके कर देते हैं, तो ये क्या होगा यू डैश मतलब 2 का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 क्या है 0 आ जाएगा इन टू एक्स प्लस वन, कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, फिर माइनस वी डैश एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और इंटू क्या होगा 2 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर। अब जो 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा 0 ही आ जाएगा ना, तो माइनस 2 आ गया, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, ये आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। मैंने यहां पे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, ठीक है माइनस। अब इसका क्या करोगे, फिर यू अपॉन वी लगा के इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर अपॉन 3x प्लस माइनस 1, तो u डैश u ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है ना u डैश इंटू v, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 3 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये देखो ना यार, इसका डेरिवेटिव 3 आ गया, 1 का 0, 3 माइनस 0 क्या होगा 3, और इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वेयर 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, तो ये क्या हो गया माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या हो गया देखो इधर 6x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ये आ गया। अब ये यहां पे लिख दो इसका डेरिवेटिव, है ना, ये क्या आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब मेरे ख्याल से आंसर यही होगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करना तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर है इसका, ना चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। इसका आंसर जी यही आंसर है इसका, ठीक है, दिस इज ओनली द आंसर आई थिंक, इसमें से एक्स कॉमन निकाला होगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें से वो आप निकाल लोगे। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, कॉस एक्स का डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैंने ये आपको सम दिए थे ना पहले, पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको कहा था, जब मैंने 11-12 फॉर्मूलाज लगाए थे, तो दैट इज अ 10th सम y इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब y फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करोगे, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x, है ना, तो क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यहां पे ये एफ एक्स ही होता है एक तरह से, है ना एफ एक्स, तो अब ये क्या होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब f ऑफ x प्लस h इस फंक्शन में, देखो f ऑफ x प्लस h x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस h, तो यहां पे क्या आ गया cos x प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ x, f x कितना है cos x, यहां पे क्या आ गया cos x आ गया, अब अपॉन h, ठीक है। अब यहां पे इसका क्या लगेगा फॉर्मूला, cd फॉर्मूले जो 11th थर्ड चैप्टर में है ना, मैंने पहले साइन का बताया था, cos का बता रहा हूं, cos c माइनस cos d है सपोज, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन
सी माइनस डी अपॉन टू, है ना, ये याद रखना आपने, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो माइनस टू साइन सी प्लस डी, सी की जगह पे क्या है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब साइन सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया तो रे रह गया, यहां पे क्या आ गया एच। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन, अब यहां पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यहां पे क्या आ गया जी साइन, ये एच इसके नीचे था इसके अपॉन में, है ना, साइन एच अपॉन टू, ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या था एच। अब देखो यहां साइन एक्स अपॉन एक्स कर दूं मैं, एच अपॉन टू है तो यहां मैंने एच अपॉन टू कर दिया। अब कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, टू के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं भाई, धीरे धैर्य रखो थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू वन, क्योंकि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है, दिखाई दे रहा ना भैया यहां से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन, है ना, इसकी वैल्यू तो क्या होगी वन। अब ये टू के साथ ये टू क्या हो गया कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो साइन इसको मैंने ऐसे लिख दिया टू एक्स अपॉन टू प्लस एच अपॉन टू, ये देखो ना ये अलग अलग करके लिख दिया टू एक्स अपॉन टू प्लस एच अपॉन टू, ठीक है, ये टू के साथ टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू। अब एच की जगह पे जीरो अप्रोच करवा दो तो ये एच अपॉन टू क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन टू क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा साइन, ये माइनस था ना यहाँ पे, ये माइनस भी रहेगा, तो माइनस साइन एक्स आ गया इसका आंसर, माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन जब हम आगे करेंगे तो डायरेक्टली यूज किया करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, सो नोटेड डाउन। अब फिर इसके डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देखो दो फंक्शन है यहाँ पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो डी वाई बाई डी एक्स, ना मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव ये यू है, यू डैश होता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया कॉस एक्स, ठीक है, इन टू कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस सॉरी प्लस, फिर क्या आएगा साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब ये किसके इक्वल होता है, ये वैसे ये यहां तक भी ठीक है लेकिन ये इसकी इसका फॉर्मूला होता है जो थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू एक्स, ठीक है, तो ये आप इसका आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या है सीकेंट एक्स, देखो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल तो नहीं ना कहा था, मैंने पढ़ा नहीं यार, फाइंड डेरिवेटिव है सिंपल डेरिवेटिव, आप सिंपल सीधा डेरिवेटिव लिख सकते हो y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव तो सीधा ही होता है, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स टेंजेंट एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, है ना, तो ये सिंपल से सवाल है, नोटेड डाउन। नाउ थर्ड सम, है ना, थर्ड का भी आप ऐसे कर दो, क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव सीकेंड एक्स, फाइव तो एज इट इज रहेगी सीकेंड एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो कॉस एक्स फोर का फोर रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस फोर साइन एक्स होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, है ना, आंसर चेक कर लेता कर लेना, शायद कॉमन निकाला हो, अगर ना भी निकाला हो तो आप ऐसे ही लिख देना, है ना, आंसर चेक कर लेना एक बार, तो इसका आंसर यही हो सकता है, ठीक है, ये कौन सा सम था थर्ड, तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, चेक कर लेना एक बार आंसर चेक कर लेना जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या कुछ भी निकाल सकते हैं, कॉमन कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं, अगर निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लेना, नहीं तो ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम, ये वाई इज इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स ना, ये तो डायरेक्टली आ गया ना ऐसे छोटा सा। अगर आपको लगता है चार नंबर का आ गया, अगर ऊपर नहीं लिखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से है, कई बच्चे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, जैसे मैंने साइन एक्स का किया है ना, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो आप इसको, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। अगर फोर मार्क्स का आता है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देना, ठीक है। अगर वन टू मार्क्स का आता है तो आप सीधा भी लिख सकते हो वन मार्क्स का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है ना, तो आप ऐसे सीधा कर दो, ट्रैक नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस थ्री कॉट एक्स का, कॉट एक्स का टेन एक्स का सीकेंट स्केयर एक्स, कॉट एक्स का कोसेकेंट स्केयर एक्स, ठीक है, प्लस फाइव कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस, माइनस लग गया यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। अब यहां से आप कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो माइनस कोसेकेंट एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा थ्री कोसेकेंट एक्स माइनस फाइव कॉट एक्स कोटेंजेंट एक्स, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए इसका। आंसर जरूर चेक कर लेना सबके, ठीक है, नोट इट डाउन नाउ। फिर वैसे ही कर दो ना, क्या ये प्लस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, है ना। तो ये कॉन्स्टेंट तो साथ में रहती है, ये हमने सीखा है, ठीक है। अब कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सिक्स साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका क्या होगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्केयर एक्स माइनस सीकेंट एक्स का क्या होगा सेवन सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो यहां से कॉमन निकालना है निकाल दो, तो नहीं तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो टू सीकेंट एक्स माइनस सेवन टेन एक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये थे सम लास्ट है ना, तो ये थे सेवन सम। इसके बाद हम इसलिए एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बिल्कुल आसान से सवाल है, ये बिल्कुल आसान सवाल है इसके, है ना। आप और बुक्स पे रेफरेंस बुक से ट्राई कर सकते हो, और जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।